हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं। चुनावी रण में लगातार रणभेरी बज गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या मिजाज रहेगा मध्य प्रदेश का? मिजाज बहुत अच्छा रहेगा और पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी, कास्ट सर्वे को लेकर कांग्रेस एक बड़ी पिच पे खेल रही है, क्या इसका असर भी मध्य प्रदेश में नजर आएगा? पॉलिटिकली आपको फायदा होगा? बात यह है, ये निर्णय पूरे तरीके से आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब भी आरक्षण की बात आती है तो अदालत में ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि कोई रिलायबल डेटा नहीं है। तो इसलिए रिलायबल डेटा होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2010 में ही फैसला किया था कास्ट बेस्ड सेंसस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट बेस्ड सेंसस के हमारे फिगर्स को जानबूझकर पिछड़ा वर्गों के हितों का ध्यान न रखते हुए उन्होंने उसको आज तक ओपन नहीं किया है, उसको घोषणा नहीं की है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, शिवराज बार बार जनता के बीच में जाके पूछ रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मामा को क्या करना चाहिए आप बताओ। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला समझने वाले समझ गए। क्या मायने समझे जाए? वो मोदी जी से पूछिए। और कांग्रेस के लिए क्या मायने है, क्योंकि यहाँ पे कमलनाथ लगातार इसको बिल्कुल एक इमोशनल चुनाव बना के उन्होंने खेल रहे हैं। आज भी सीडब्ल्यूसी में मौजूद नहीं थे वो कमलनाथ, लगातार नहीं है ना, वो कमलनाथ जी सीडब्ल्यूसी मेंबर नहीं है, वहाँ पर सीएलपी लीडर्स को एक्सटेंडेड वर्किंग कमिटी में बुलाया जाता है। तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर चल रहा है कांग्रेस के लिए, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है या कमलनाथ फैक्टर चल रहा है? प्रो कांग्रेस प्रो कमलनाथ हैंड सिंबल चल रहा है। कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? जितनी आपकी उम्मीद उससे ज्यादा। वहाँ पे सबको लड़ा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र सिंह तोमर से लेके बड़े बड़े दिग्गज सूरमा कैलाश विजयवर्गीय, क्या कांग्रेस में भी हम यही देखेंगे, क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, सक्षम उम्मीदवार हैं। हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में कौन सबसे लोकप्रिय कौन सबसे सक्रिय कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के मंत्रियों को वापस वहां भेज दिया, जिस प्रकार से किसी एसपी को थानेदार बना दिया जाए। तो ये अच्छा है कि बुरा है बीजेपी के लिए? एसपी ज्यादा अच्छा काम करेगा ना थानेदारी का। उनसे पूछिए जो थाना संभालेंगे जाकर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे दिग्विजय सिंह जो कह रहे थे कि कांग्रेस का पलड़ा मध्य प्रदेश में चल रहा है और कांग्रेस वहां पे जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन सत्या रोहत्री के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।